हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी मेडिसिन में। और आज हम बात करने वाले हैं बीप्लेक्स फोर टेबलेट के बारे में। इसके क्या क्या यूजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, प्रिकॉशन है और इससे आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, बीप्लेक्स फोर टेबलेट एंजेलो फ्रैंक इंडिया की बेस्ट टेबलेट है। इसकी प्राइस है 35 रूपए और 35 पैसे पर स्ट्रिप। ये एक स्ट्रिप में 20 टेबलेट होती है। इस टेबलेट का यूज आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। यह टेबलेट आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। इस टेबलेट का कंटेंट्स होता है थियामीन, मोनोनाइट्रेट, रिबोफोल्विन, निकोटिनिक एसिड, नियासिनामाइड, पाइरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम पेंटोथिनेट, फोलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन सी, बायोटीन और लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह टेबलेट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और बायोटीन की कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। इसका उपयोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, फोलिक एसिड की कमी, बाल झड़ना, घाव भरने में हेल्प करना, विटामिन B12 की कमी को पूरा करना, हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की स्थिति का इलाज करना, डायबिटीज, बायोटीन की कमी में, माइग्रेन या सरदर्द जैसी प्रॉब्लम में, या फिर आपको मुंह में छाले हो गए हो, अल्जाइमर रोग हो, या फिर आपको कमजोरी महसूस हो रही हो, कमजोर नाखूनों का आपको इलाज करना हो, या फिर आपको बाल संबंधी समस्या हो, स्कर्वी का इलाज करने में भी ये टेबलेट काफी पॉपुलर है। न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसी में, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी के ट्रीटमेंट में, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में इस टेबलेट का यूज काफी किया जाता है। इन सभी कंडीशन में डॉक्टर आपको ये टेबलेट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आप जानते हैं इसके साधनों के बारे में, तो अगर कोई लीवर या किडनी से किसी भी प्रकार की डिसीज से पीड़ित हैं तो वो इसका यूज डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। इनके अलावा भी प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसका यूज डॉक्टर के अनुसार ही करें। इस टेबलेट को आपको खाली पेट नहीं लेना है और जब भी आप इस टेबलेट का यूज कर रहे हो तब आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। इस चीज का जरूर ध्यान रखें आप। अब जानते हैं इसके डोज के बारे में। तो नॉर्मली इस टेबलेट को एक एक टेबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद में लेने की सलाह दी जाती है, पर कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार इसका डोज अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट आपको नजर आ सकते हैं वो हैं एलर्जी, जी मचलना, सांस फूलना, कब्ज होना, दस्त लगना या फिर आपको ऐंठन होना, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इनके अलावा भी अगर आपको कोई अदर साइड इफेक्ट नजर आए तो इस टेबलेट का यूज बंद करें और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।